उज्जैन से हैं सुरेश परमार जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार 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 सर, जी प्रश्न करिए। जी प्रश्न मैडम, हरिया है मेरे, दिक्कत आ रही, मेरे को ठीक नहीं हो रहा है। एज कितनी है सर? 45 है। हर्निया, जी हर्निया। देखिए हर्निया अगर अभी शुरू हुआ है, कम है बीमारी, तो अच्छा हो सकता है। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अगर इब्तदाई पोजीशन में किसी को हर्निया हो तो धनिया, सौंफ और अलसी, धनिया सौंफ और अलसी का 100-100 ग्राम खरीदें। एक चीज़ 100 ग्राम हो तो दूसरी भी तीसरी भी। धनिया सौंफ और अलसी 100-100 ग्राम खरीदें और इसको पाउडर बना के रख लें। एक चम्मच भर के खाएं और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला लें और इस पानी से खाएं। दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर मामूली सा है तो इसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी मंजू जी से बात कर लेते हैं। स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार मैडम। जी जी नमस्कार मैम। हेलो। जी हकीम साहब से बात करनी थी मैम। जी जी मंजू जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। जी मैं बात कर रहा हूँ। जय हिंद, स्वागत है आपका। हकीम साहब से बात करनी थी सर। आपकी बात हकीम साहब से हो रही है मैम। जी नमस्ते हकीम साहब। आदाब। जी मैं आपसे आपके कंपनी से फोन। जी नमस्ते सर। मैम टीवी से मत सुनिए, देखिए फोन से बात कीजिए, टीवी से मत सुनिए, देर में जवाब देंगी आप। पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, बोलिए। मैडम जी, मैं मंगाई थी आपके कंपनी से, बोलसिया मंगाई थी मैडम। ठीक है। जी हकीम साहब, तो उसको मैं आज 10 दिन हो गया ले रही हूँ, और ये मेरा ना कुछ तो फर्क हल्का फुल्का है, उतना तो नहीं है। मैं वैसे डॉक्टर की भी दवाई ले रही हूँ, मेरे पैर में दर्द है, और मेरा एएनसी पहले नहीं आता था, लेकिन आज मेरे को हो गया है। 1 साल से बंद था मेरा, कभी होता नहीं था मैडम। तो उसी के बारे में मैं पूछना चाहती थी कि कोई उसके दवा के कारण तो नहीं हकीम साहब से, इसलिए मैं बात करना चाहिए एज मैडम कितनी है आपको। आपकी? हाँ एज उम्र कितनी है? मेरा 47 साल है उम्र, ठीक है जी। और वेट है 76 है मेरा। ठीक ठीक है है मैम। अच्छा देखिए, ये सिस्टम को दुरुस्त करता है। गौनसिया आपने लिया है, फ़ायदा भी शुरू हो गया तकरीबन 10 दिन में। इतना ही फ़ायदा है तो कि आप कह सकें कि हाँ मुझे कुछ फ़ायदा है, इतना ही फ़ायदा काफ़ी है। और ये क्योंकि हमारे शरीर के सिस्टम्स को अच्छा करता है, तो वो जो सिस्टम ख़राब था आपका एमसी का, उसको भी उसने दुरुस्त कर दिया। तो फिर भी आप अपने गायनिक से मशवरा कर सकते हैं उसके बारे में। और अभी आपकी उम्र तो नहीं है इसके बंद होने की, तो वो रुका हुआ था, इसने उसको भी खोल दिया और आपके शरीर पर तेज़ी से काम कर रहा है। ये जो आपके पास गौसिया है, ये अपने ख़त्म होने से पहले आपके दर्द को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। जितना भी आपके पास गौसिया है उसे इस्तेमाल करें, आधा आधा ग्राम की सूरत में, और आप इसको उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम देखिए अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं और आपका कहना है कि आपको हल्का फुल्का आराम मिल रहा है, तो इसका मतलब कि आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। और साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि हकीम साहब हमेशा बोलते हैं कि अगर आपका दर्द बढ़ जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप संयम के साथ, इंतज़ार के साथ गौनसिया का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी क्वेरी करना चाहती हैं तो लाइव कार्यक्रम में कॉल नहीं लगती है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आप हकीम साहब आपके यूट्यूब चैनल पर जाके आप अपनी और हकीम साहब की बातचीत भी सुन सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है,
चाहे YouTube पे जाना है, टाइप करना है हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आप हर एक रोग के लिए नुस्खे देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ लालचंद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? फतेहाबाद हरियाणा से। आपका सवाल? मेरा सवाल दो तीन है जी, लिखो। जी जी बताइए। एक तो मेरा है जी, हार्ट के दो बार ऑपरेशन हो चुका है मेरा जी। अच्छा, मेरे में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है, बीपी भी हाई रहता है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है जी 57। ठीक है सर जी। और क्या सवाल? और भी कोई सवाल है सर? हाँ जी, दो तीन सवाल है। पूछिए। अच्छा, एक जी गोंद शिया मंगवाया था मैंने मेरी वाइफ के लिए। वो अभी चलू तो नहीं गया, करूंगा मैं अब चलू एक दो दिन में जी। उसका वेट कुछ ज्यादा है ठीक, और पैरों में दर्द है उसके। कितने दिन से ले रहे हैं गोंद शिया वो? नहीं जी, देने नहीं रहे, अभी शुरू नहीं किया है। ठीक है, कल से शुरू करेंगे, आज आई है दवा हमारी। ठीक है ठीक है ठीक जी। हाँ देखिए, गौन से आ गया है, इसको पाउडर बना लें और आधा आधा ग्राम दो बार खाएं और इन्हें पानी से दें। और वजन भी कम करना हो तो एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर इस पानी से दे गौर से, या तो वजन कम होने के साथ उनके जोड़ों का दर्द भी या कहीं भी दर्द हो उसका ठीक होना मुमकिन है। तो देखिए, दिल ऑपरेशन और हार्ट ब्लॉकेज और ये सब इस उम्र में होने लगता है, जहाँ पर आप और हम हैं, इसमें खून गाढ़ा होने लगता है और वो खून की में चर्बी हमारे दिल की रगों में जमने लगती है, और जब जमने लगती है तो फिर दिल को परेशानी होती है खून फेंकने में। तो इससे हम अच्छे रह सकते हैं हमेशा। दो दो बार ऑपरेशन हुआ है, एक नुस्खा जो मैंने अभी बताया आपकी पत्नी के लिए, वही नुस्खा, एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर दिन में एक बार या दो बार लेना शुरू कर दें। अगर आपने ये लेना शुरू किया तो फिर ऐसा लेने वालों को फिर दोबारा से वो परेशानी नहीं होती है, जो जिसकी वजह से बार बार ऑपरेट कराना पड़ता है, खून की चर्बी को भी काटता है और कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को, सबको नियंत्रित रखने की ताकत है इसमें जी। राजस्थान से हैं उस्मान जी हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगी दर्शकों कि आप लोग हर एक चीज़ की जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि नकलचियों की भरमार मार्केट में हो चुकी है। गौन सिया से लेकर वो तमाम नमक, वो तमाम सिरके जो हकीम साहब आप लोगों को बताते हैं, तो पहचान करने के लिए आपको करना क्या है, YouTube पे आप देख सकते हैं सारी वीडियोस के गौन सिया कैसा होता है या जो और गौन हकीम साहब बताते हैं वो कैसे होते हैं। क्योंकि अगर आपने मार्केट से ख़रीदा, नकली आपने ख़रीद लिया, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है, तो नकलचियों से सावधान रहिएगा। ऑनलाइन भी प्रोडक्ट नकली मिल रहे हैं, तो कोई भी क्वेरी करनी हो अगर आपको तो आप हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलिए उस्मान जी से बात कर लेते हैं, स्वागत है सर आपका। हेलो उस्मान जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नमस्कार मैडम। सबसे पहले सर टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। नमस्कार सर, टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कीजिए सर। मैडम जी जी, सवाल कर लीजिए। पर मेरी माता जी के सिर और कानों के अंदर सुन रहती है, शरीर के जो नस है वो दर्द बहुत करती है। आपने बोला जी जी, क्या सुन रहता है? मेरी माता जी है, उनके सिर और कानों के अंदर सुन रहती है मैडम, सर में। ठीक है ठीक है। हाँ जी, उम्र कितनी है उनकी? शरीर की जो नस है वो दर्द बहुत करती है।
सर एज बता दीजिए उनकी। एज है मैडम 56 ईयर। ठीक है सर। तो देखिए ऐसे बैठे आप समझ लीजिए और उन्हें सिखा दीजिए, ऐसे बैठे और ये कान ये मोढ़े से लगा है, ऐसे नहीं लगे तब भी कोशिश करें। ये एक्सरसाइज है, ये फिजियोथेरेपी कहलाती है, ये 3 मिनट रोज़ाना करना है, एक साथ नहीं कर पाएंगे तो एक एक मिनट करके पूरे दिन में 3 मिनट ही तो करना है, ये ज़रूर करवाएं। और एक ये ठोड़ी यहाँ से पकड़ें अपनी और इसे ऐसे मोड़ दें, देखिए मैंने इतनी मोड़ी कि मेरी ठोड़ी यहाँ तक आ गई, ऐसे और फिर ऐसे, ये आप 3 मिनट ये भी करें, 6 मिनट ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपकी मम्मी को परेशानी है। और एक आता है गौंद स्याह, स्याह मतलब काला, ये असली लेना शर्त है क्योंकि नकली बेहिसाब मिलता है। गौंद स्याह खरीद लें असली, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद दूध या पानी से देना शुरू कर दें, आपकी मम्मी को फायदा होना मुमकिन है। जी बात कर लेते हैं नीलम जी से, स्वागत है मैम आपका। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही है मैम? से कर रही थी। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है जी, हड्डियों के बारे में बात करना, डॉक्टर ना मेरी हड्डियाँ छोटी पैर की। एड़ियों में दिक्कत है? नहीं नहीं, हड्डियाँ जी, हड्डियाँ हड्डियाँ हाँ जी, हड्डियाँ सुंगड़ी बदैर की जी, मेरी उम्र 42 साल है। अच्छा क्या कहा है डॉक्टर ने, हड्डियों में क्या हो रहा है? हाँ जी 42 वर्ष उम्र है जी मेरी, तो मेरी हड्डियाँ डॉक्टर ने ऐसा कह रखा जी, जब 80 साल की उम्र के बराबर हड्डियाँ हैं जी आपकी। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया जी। तो हड्डियों के बारे में, गोंद सी का भी हाल से मंगाया था, खा लिया जी? खाया? हाँ जी, एक बार तो पूरा खा लिया जी, दूसरी बार भी मंगवा लिया जी। क्या फायदा हुआ आपको? बस 19-20 का कुछ बहुत ही कम आराम है जी, ज्यादा नहीं, एक कम मतमा एक काम पेट बहुत ज्यादा है जी। ठीक है ठीक है। अच्छा ये कम से कम आप 1 साल तक खाते रहे, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, ये हड्डियों की खुराक है और इसको छोड़े नहीं। पहली दफ़ा में आपको कम फायदा है, कोई बात नहीं, दूसरी दफ़ा में आप शुरू करेंगे तो और तेज़ी से फ़ायदा होगा, और 3-4 बार आपको ये लेना पड़ेगा, पूरे 1 साल तक खाइए, आपकी हड्डियाँ जितनी आपकी उम्र है उसी की बराबर मजबूत हो सकती है जी। बिहार से हैं शन्नू आलम जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम जी। सर कौन सिया एक्चुअली हम मंगाने चाह रहे हैं, मगर उनसे क्या फायदा क्या नुकसान है, किसके लिए मंगवाना है और उनको परेशानी क्या कुछ है? अपने लिए मनाते हैं, स्लिप डिस्क है। उम्र कितनी है आपकी? रहता है स्लिप डिस्क है, कमर से लेके पैर तक ला झंझनाहट तड़तड़ाहट रहता है। हाँ हाँ। और एक्चुअली गैस कब्जियत रहता है। एज बता दीजिए अपनी। 40 बरस। ठीक है सर जी। अच्छा देखिए गौंद स्याह से फायदा होता है जो आपको रोग है उसमें, स्लिप डिस्क में, साइटिका में, घुटनों के और जोड़ों के कहीं भी दर्द में, तो ये दवा तो इसीलिए है। और इसको खाना होता है आधा आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद आधा आधा ग्राम, लेकिन असली लेना ज़रूरी है, ये बेहिसाब नकली है, नकली मत ले लेना। बारहा मैं कहता हूँ सबसे कि ये बेईमानों ने नकली बना लिए हैं और नकली चीज़ें उससे मिलती जुलती चीज़ें देने लगे हैं, और पेशेंट भोले भाले होते हैं उनको पता नहीं होता, तो असली ले लीजिए। और आपको अगर ये चाहिए कि आपका पेट भी ठीक रहे, जो आपको दूसरी बीमारी है पेट की वो भी अच्छा हो जाए, तो सौंफ और धनिया 100-100 ग्राम लेकर इसका पाउडर बना लें और 1 चम्मच भर के खाएं, इसमें आधा ग्राम गौंद स्याह मिलाकर और दूध से इस्तेमाल किया करें,
दिन में दो बार खाने के बाद तो आपके सभी रोग अच्छे होना मुमकिन है।